जय श्री कृष्ण। माता रानी के दिनों में आज मैं मंगल के उपाय बता रहा हूँ। किशन रागानी, कलकत्ता से, एस्ट्रो के पीआर। मंगल मैं तो सब ग्रहों से मजबूत समझता हूँ, राजा का सेनापति। ये मंगल के जो जातक होते हैं ना, जैसे मेष, वृश्चिक, ये ऐसे होते हैं, बड़े श्रूड होते हैं, और ये आपको सच मुंह पे बोल देंगे, सीधी बात, सच्ची बात, नो बकवास। ये क्रोध का ग्रह है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि क्रोध खराब नहीं होता है, हम देवताओं को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। धर्म संस्थापना धार मंगल को आक्रामक होना पड़ता है। लेकिन अब क्या हम मनुष्य गण हैं, बहुत ही सिंपल बना, हम तो ईश्वर के सामने तो कुछ थोड़ी है, लेकिन हम में अगर ये मंगल कोई बिगड़ के आ जाए तो बड़ी परेशानियां पैदा करता है। वैसे तो मंगल को कहते हैं पराक्रमी, देशभक्त, आर्मी में जाने वाले, अग्निशमन, पुलिस उसमें, और बहादुर होते हैं ये। ये अपने क्रोध से सामने का पूरा ना कचरा साफ कर देते हैं, माना आसपास का होते हैं। लेकिन जब ये परेशान होते, कहते जितना पावरफुल आदमी उतनी पावरफुल उसके पास परेशानियाँ भी होती है। ये मेरा कहना है कि मंगल के जातक की कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसी खतरनाक होती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, मंगल और बुध की कॉम्बिनेशन, अगर आपकी कुंडली में मंगल बुध एक साथ किसी भी खाने में बैठा हुआ हो तो आप सतर्क हो जाओ। आप कितने बड़े आईएएस अफसर, कलेक्टर, जज, मिनिस्टर, कुछ भी हो, यू शुड बी अवेयर्ड। आप किसी का भी कत्ल करके जेल में बंद हो सकते हो। क्रोध के मामले में पूरी दुनिया की जेलें हैं ना, 50% मंगल बुध वाली हैं। और ये बड़े बड़े संभ्रांत आदमी, जिनकी आदमी दुनिया इज्जत करती है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं, फिर इनसे जाके कोई इंटरव्यू लेता, कहता कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने इसको मार दिया। वो चाहे पत्नी हो या भाई हो या सामने कोई भी हो, बिल्कुल। और वो सिंपली, और बोलते समय सुनने वाले भी कहेंगे यार इसने कैसे मारा। ये इसको कहते हैं अशुभ मंगल। अशुभ मंगल की दूसरी होती है नीच हो, कर्क में, कर्क राशि में मंगल बैठा हो, नीच का हो, माना कर्क का वृश्चिक राशि होती है, नीच की होती है। और होता है मंगल और केतु, ये मारक होता है। तो आपने ये क्या है, अगर हालांकि इतनी उपजाऊ चीज़ है मंगल की, अगर आदमी पराक्रमी हो ना, जंगल में मंगल कर दे। ये आदमी मैंने ऐसे देखे हैं मंगल वाले, भाई ज़मीन में यूँ छर्रा छर्रा हो जाए बाढ़ के बाद, वो तिनका तिनका जोड़ गए, और पराक्रम, इतनी मेहनत करते हैं, बेइंतहा मेहनत राज करके पराक्रम से फिर ऊंचाइयाँ प्राप्त कर देते हैं। माना फीनिक्स होते हैं ये लोग, दे आर लाइक फीनिक्स। मंगल का माना मेष और वृश्चिक राशि है ना, ये फीनिक्स हैं। ये आर्मी में बड़े बड़े पदों पे आप देखोगे 80% रैंक्स मंगल वाले की होगी। लेकिन क्या है, जितनी बड़ी पावर उतना बड़ा रिस्क। तो ये कभी कभी जेलों में बंद हो जाते हैं, कभी इन पर प्रेत अटैक करते हैं केतु के साथ। यस, इन पर प्रेत भी हावी हो जाते हैं। मैं कहते हैं ना, जोरावर के सामने जोरावर राजा पैदा हो जाता है। तो आपका भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मंगल हो आपको कुंडली में, और सही स्थानों पे नहीं हो, भाई जैसे हम लोग बोलते हैं 4-7 ये जमाना है, इनमें मंगल हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और ये मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, अगर आपका मंगल बिगड़ा हुआ है, आपको क्रोध आता है और पत्नी से भी वैर विरोध हो जाता है, मांगलिक आदमी हो ना, पति पत्नियों में पारस्परिक विरोध हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो आप
को मैं कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ कि अगर आप वो करोगे ना तो आपके मंगल में शांति आ जाएगी और आपका जीवन यूँ आराम से निकलता जाएगा। बहुत सरल उपाय हैं। मैं अपनी एस्ट्रो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी या येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उसमें से पढ़ के बताता हूँ। जिसका मंगल खराब हो ना उसको किसी विधवा स्त्री की मदद करनी चाहिए। विधवा और परित्यागता माना किसी की छोड़ी हुई हो, अगर उसकी सेवा करे, उसकी आशीर्वाद ले तो उसका मंगल उसको आसमान की ऊंचाइयां दिखाएगा। इनको गले में चांदी की चेन पहननी चाहिए और मंगल वाले जो जातक है ना इनकी भाई जब रोटी बनाए ना गृहणियाँ पहले तवे पे पानी का छींटा मारे फिर उसकी रोटी है। भाई तीन रोटियां खाएगा, तीन बार छींटा मार के इनकी रोटी चढ़ाओ, मंगल की जो बुराइयां सब खत्म हो जाएगी। तांबा, गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा, माचिस लगातार मंदिरों में दान करना चाहिए आप लोगों को जिसका मंगल खराब हो, ठीक है, अशुभ मंगल के लिए। तंदूर की मीठी रोटी, तंदूर में गुड़ की मीठी रोटी बना के वो दान करें और खुद भी खाएं, एक बात ध्यान रखना। हनुमान की आराधना करें, हनुमान पर ध्वजारोहण करें और बंदरों को चना खिलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का नियमित पाठन करें। ओम अंगारकाय नमः, आपका कितना भी खराब मारक कुंडली में हो, थोड़ी भी हवा लगे मंगल खराब, तो आप ओम अंगारकाय नमः 108 बार ये मंत्र जाप करेंगे तो दाता आपको सीख कर लेंगे और मंगल आपके लिए शुभ और लाभकारी हो जाएगा। दाता सुखी रखे। आशा है आज का संज्ञान आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मैं आपको लगातार ऐसी चीज़ें बताता जाऊंगा जो कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली खोलो, मंगल 4-8 में है, 12 में शुरू हो जाओ। मंगल की भाई गुरक्रोध ज़्यादा आता हो तो समझ जाओ ये भी घर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। क्रोध आता हो आपको, ये ऐसी तकलीफें हो रही हो तो ये उपाय करो, दादा सुखी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ने दें। थैंक यू।